हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे एन अनकंफर्टेबल बेड रिटन बाय गाय दे मोपसंत। सो स्टोरी शुरू होती है एक ऑटम सीजन से। ये ऑटम सीजन क्या होता है कि जब पतझड़ का महीना आता है ना, तो उसको ऑटम सीजन बोला जाता है। तो पतझड़ का महीना था और जो ऑथर थे वो अपने फ्रेंड के घर में जा रहे थे घूमने को, क्योंकि छुट्टियों का महीना था इसलिए। और ऑथर के फ्रेंड्स कहाँ रहते थे? पिकार्डी में। पिकार्डी कहाँ है? ये फ्रांस में है। तो ऑथर अपने फ्रेंड्स के घर में जा रहे थे और जो ऑथर के फ्रेंड्स थे ना, वो बहुत ही ज़्यादा मजाकिया टाइप के थे। तो फाइनली ऑथर पहुँचते हैं अपने फ्रेंड्स के घर में। अब उनके जो फ्रेंड्स थे ना, उन्होंने इतना धूमधाम से पार्टी रखी और बहुत ही शोर शराबे के साथ अपने फ्रेंड का स्वागत किया। जब ऑथर ने ये देखा कि मेरे फ्रेंड्स ने इतना ज़्यादा अच्छी तरीके से मेरा वेलकम किया है और उनको बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है मुझे देखकर, तो ऑथर ना शक करने लगे, क्योंकि ऑथर के जो फ्रेंड्स थे वो बहुत ही ज़्यादा मजाकिया टाइप के थे। वो कभी भी कहीं पर भी शुरू हो जाते थे मजाक करने के लिए, और अगर किसी को मजाक करने का मूड होता है नहीं होता, तब भी वो मजाक करते रहते हैं। और उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि सामने वाले को अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है, वो खाली मजाक करते रहते थे। अब क्या होता है कि फाइनली ऑथर जो हैं अपने फ्रेंड्स के घर में आ चुके हैं, और ऑथर के फ्रेंड्स ने ऑथर का बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से वेलकम किया है। अब डिनर का टाइम आता है तो सब लोग डाइनिंग टेबल में बैठते हैं डिनर करने के लिए। तभी ऑथर ना अपने दिमाग में ये रख लेते हैं, सोचने लगते हैं कि ज़रूर कहीं ना कहीं मेरे जो फ्रेंड्स हैं ना, इन्होंने मेरे लिए भी एक कोई ना प्रैंक रखा होगा या करेंगे मेरे साथ। तो वो ना ऑथर बेफालतू में ये सोचते रहते हैं, तो वो ना सबको ना शक की नज़र से देखने लगते हैं। वो छोटी छोटी बातें जितने भी उनके फ्रेंड्स कर रहे थे ना आपस में, तो वो छोटी छोटी बातें पर गौर कर रहे थे ऑथर, और उनकी बातों को नोटिस भी कर रहे थे। ऑथर के फ्रेंड्स आपस में बातें कर रहे थे इधर उधर की और बहुत ज़ोर ज़ोर से हंस रहे थे, और उनकी हंसी से ऐसा लग रहा था कि वो बहुत ही ज़्यादा खुश हैं अपने फ्रेंड्स को देख कर, ऑथर को देख कर। और यहाँ पर ऑथर बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहे थे। परेशान कैसा? कि वो सोच रहे थे कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है, क्योंकि कोई भी इतना किसी के लिए नहीं करता है। जिस तरह कुत्ता अपनी शिकार को दूर से ही पहचान लेता है, ठीक उसी तरह ऑथर अपने साथ मजाक को हवाओं में महसूस कर पा रहे थे, और ऑथर सबको एक शक की नज़रों से देख रहे थे। अब क्या होता है, सब लोग ने डिनर खा लिया होता है, तो ऑथर जाते हैं अपने कमरे में, और ऑथर के साथ जितने भी फ्रेंड्स होते हैं ना, सारे लोग ऑथर को कमरे में छोड़ने के लिए आते हैं। ऑथर के हाथ में कैंडल होती है और उनके जो फ्रेंड्स होते हैं ना, वो उनको गुड नाइट करके वहाँ से अपने अपने रूम में चले जाते हैं। अब ऑथर ने ना उस कमरे में अपने कदम भी नहीं बढ़ाए थे, एक स्टेप भी नहीं लिया था, और वो ना सोच रहे थे ऐसा ही कि इन्होंने कहीं ना कहीं मेरे ऊपर प्रैंक करने का सोचा होगा, जो उनके ऑथर के फ्रेंड्स थे। अब ऑथर उस रूम के अंदर जाते हैं और पूरा कमरा अच्छी तरीके से देखते हैं। कमरे की जो पेंटिंग्स होती हैं उनको देखते हैं, कमरा किस कलर का था वो देख रहे थे, और फर्नीचर्स जितने थे वो देख रहे थे, सीलिंग्स देख रहे थे, मतलब रूम में जितना भी सामान था ना, वो ऑथर अच्छी तरीके से देख रहे थे, और हर जगह जा रहे थे रूम में, और हर जगह जाकर चेक कर रहे थे कहीं मेरे फ्रेंड्स ने कुछ ना कुछ यहाँ किया तो नहीं है। कि पता चला कि उन्होंने यहाँ पे कुछ किया हो और
आखिरी में मैं एक मजाक का कारण बन जाऊं और ये सारे लोग जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं वो मेरे ऊपर हंसे। इसलिए जो ऑथर थे वो बहुत ही ज़्यादा परेशान थे इस बात को लेकर। अब ऑथर ने सोचा कि ये मेरे हाथ में जो कैंडल है ना, वो तो कुछ ही देर जलेगी और फिर उसके बाद ये तो ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, ऑथर के कमरे के बाहर ना उनके फ्रेंड्स की हंसने की, है ना, कुछ बातचीत करने की आवाज़ें उनको सुनाई दे रही थी। तो वो सोचने लगे ये ज़रूर मेरे बारे में कुछ ना कुछ बात कर रहे होंगे और हंस रहे होंगे। ऑथर ने सोचा कि रूम में काफ़ी कैंडल्स लगी हुई हैं, तो चलो इसको जला देते हैं, कम से कम एक ख़त्म होगी तो ये कैंडल्स जितने भी हैं ये जलती तो रहेंगी। तो ऑथर ने कमरे में जितने भी कैंडल्स थी सबको जला दिया और पूरे रूम का फिर से उन्होंने एग्जामिन लिया, मतलब पूरे रूम को अच्छी तरीके से टटोला, पर उनको कुछ भी नहीं मिला। अब क्या ऑथर ने क्या किया, विंडो के शटर्स जो हैं उसको बंद करें, ठीक है, और वहाँ पे जो कर्टन्स थे उसको कर्टन्स को फैला दिए, ठीक है, और विंडो के पास उन्होंने एक चेयर रख दी और ऑथर एक जगह पर बैठ गए और वही सारी बातें सोचने लगे और साथ ही साथ अपने बिस्तर को, अपने बेड को वो देख रहे थे, क्योंकि उनका बेड इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल था और उनके बेड में ना चारों ओर कर्टन्स लगे हुए थे, मतलब चारों ओर पर्दे ही पर्दे लगे हुए थे। ऑथर फिर से सोचने लगे कि इतना ब्यूटीफुल सा बेड है, अगर मैं इस बेड में सोऊंगा तो कहीं मेरे फ्रेंड्स ने इस बेड के अंदर कुछ रखा ना हो, पता चला मैं बैठूं तो मैं मेरे ऊपर शावर होने लगे, या फिर अगर मैं इस पे बैठूं तो कहीं मैं अंदर ना घुस जाऊं अपने ब्लैंकेट के साथ, अपने पिलो के साथ। फिर ऑथर ने क्या किया कि बेड में जो बेडशीट थी उसको घसीटा और साथ ही साथ उसमें जो अच्छा खासा गद्दा था उसको भी घसीट कर रूम के बीचों बीच ले आए। उन्होंने अच्छी तरीके से, ठीक तरीके से बेड को, मतलब उस गद्दे को रूम के बीचों बीच रखा और उसमें अच्छी तरीके से चादर बिछाई, पीलो रखे, और ऑथर ने जहाँ पर गद्दा रखा था ना, जहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से ऑथर ने अपना बेड को लगाया था नीचे ज़मीन पे, तो वो ना गेट के पास में था, बिल्कुल गेट के सामने। ऑथर ने अपने बेड को तैयार किया और उसी बेड में नीचे जाकर लेट गए, ठीक है, और एक घंटे तक लगातार वो सोचने लगे और वो जागते रहे। फिर उसके बाद क्या हुआ, जब उनको अच्छा लगने लगा, मतलब कंफर्टेबल महसूस हुआ, तब वो गहरी नींद में सो गए। थोड़ी देर में क्या हुआ कि उनको ऐसा एहसास हुआ कि कोई उनके ऊपर, किसी ने एक बॉडी को फेंक दिया है, इतनी भारी बॉडी को, और वो ज़ोर से चिल्लाए और उनको ऐसा महसूस हुआ कि उनके फेस में, उनके नेक में और उनके चेस्ट में एक बर्निंग लिक्विड किसी ने डाल दिया है। जब उनको ऐसा महसूस हुआ कि उनका फेस, नेक और चेस्ट बहुत ही ज़्यादा जल रहा है, तो वो बहुत ज़्यादा दर्द से चिल्ला उठे और साथ ही साथ उनको ना कप, प्लेट्स और जितने भी डिशेस होते हैं उनको ना इनकी आवाज़ सुनाई पड़ी कि कुछ ना कुछ नीचे गिर रहा है। तो ऑथर बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से चिल्लाए क्योंकि उनका फेस, उनका नेक, चेस्ट बहुत ही ज़्यादा जल रहा था और उनको ऐसा लग रहा था कि कोई ना कोई, किसी ने इतनी भारी मोटी जो बॉडी होती है उनके ऊपर फेंक दी है। ऑथर बिल्कुल हिल नहीं पा रहे थे, वो कोशिश कर रहे थे कि वो कुछ ना कुछ करें कि वो उनके ऊपर जो है हटा दें, पर ऐसा कुछ भी हो नहीं पा रहा था, ऑथर बिल्कुल हिल नहीं पा रहे थे। ऑथर ने क्या किया, बड़ी मुश्किल से अपने हाथों को निकाला और जो भी उसके, ऑथर के ऊपर थे ना, उसको ज़ोर से मुक्का मारा, पर क्या हुआ, बदले में ऑथर के ना थप्पड़ पड़ने लगे ढेर सारे, ठीक है, ऑथर उसको धक्का दिया और बाहर की ओर भागे। ऑथर ने जो ड्रेसअप किया हुआ था वो नाइट सूट उन्होंने पहना हुआ था, नाइट की ड्रेस पहनी हुई थी, और चिल्लाते चिल्लाते वो बाहर गए और जितने भी ऑथर के फ्रेंड्स थे वो ये सब सुनकर बाहर निकल आए और
ऑथर के साथ वो फिर से कमरे में आए और ऑथर भी कमरे में आए तो उन्होंने क्या देखा कि रूम में ना, जहाँ पर ऑथर ने नीचे ज़मीन में बेड तैयार किया था, जहाँ वो सो रहे थे गेट के सामने, उस बेड में टकरा कर एक वेटर आया था ब्रेकफास्ट लेकर। तो वो जैसे ही अंदर आया ना, तो उस बेड से टकराया और वो सीधा सीधा, वो जितना भी ब्रेकफास्ट था वो ऑथर के मुंह पे जाकर गिर गया, और जितने भी चाय थी या कॉफ़ी थी, कुछ भी होगा, वो ऑथर के मुंह पे जाकर गिर गया गरम गरम। और वहीं पे क्या हुआ, ऑथर का एक प्रैक्टिकल जोक बन गया, क्योंकि ऑथर ने खुद ही ये प्रैक्टिकल जोक क्रिएट कर दिया। ऐसा तो उनके फ्रेंड्स ने कुछ भी उनके साथ प्रैंक करने का सोचा तक नहीं था, पर ऑथर ने सोच सोच कर इतना सोचा, इतना ओवरथिंकिंग कर लिया कि उन्होंने अपना खुद का ही मजाक बना लिया। सो यहीं पे ये शॉर्ट स्टोरी फिनिश होती है। तो इस शॉर्ट स्टोरी में यही बताया है, जो नहीं होना था वही हो गया। सो आई होप कि आपको ये शॉर्ट स्टोरी समझ में आई होगी। अगर आपको ये अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।